वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेज के लेक्चर में आज भी पांच इडियम्स और फ्रेजेज प्रस्तुत है। आज का पहला है बेल द कैट, जिसकी हिंदी है संकट मोल लेना। दूसरा लायंस शेयर, हिंदी है बड़ा हिस्सा। तीसरा बिग गन, महत्वपूर्ण आदमी। फिर बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वस्तु। इन नट शेल, संक्षेप में। तो इन पांचों का हम पांचों को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर के दौरान ही याद भी हो जाएं पांच। बेल द कैट, बेल का मतलब होता है घंटी बांधना। किसको? कैट को। कैट, हम उस कैट की बात नहीं करेंगे जो कि पेट होते हैं, हम उसकी बात करेंगे जो पेट नहीं, वाइल्ड या डोमेस्टिक होते हैं, जो घरों में रहते हैं लेकिन पेट नहीं होते। तो आप डोमेस्टिक कैट को जरूर देखा है, वाइल्ड को तो जंगल में देखना पड़ेगा, इसको बात नहीं करते हैं। तो जो घरों में रहते हैं उन्हें चेज जब करते हैं, पीछा करते हैं, तो काफी फास्ट होते हैं, पीछा करना मुश्किल है। किसी कारण से अगर सामने आ भी गए तो आपको नोच लेते हैं, और अब उनको तो बेल करना है, घंटी बांधना है, तो पकड़ना पड़ेगा। पकड़ेंगे तो नोचेंगे भी, काटेंगे भी, तो बहुत संकट की बात है ये कैट को पकड़ना। तो इसकी हिंदी होगी संकट मोल लेना। तो इस तरह से बेल द कैट एक इडियम बनेगा और हिंदी हो जाएगी संकट मोल लेना। यूज किया है सेंटेंस में, फाइटिंग विद करप्शन, भ्रष्टाचार से लड़ना, इज जस्ट लाइक बेलिंग द कैट। कैट संकट मोल लेने के ठीक समान है। करप्शन से लड़ना संकट मोल लेने के ठीक समान है। अब होता क्या है, करप्शन से अगर लड़ रहे हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से लड़ेंगे वह ऑर्गेनाइजेशन तो आपसे लड़ेगा ही लड़ेगा, और भी झूठे केस भी कर देगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो इसलिए आप करप्शन के खिलाफ आवाज जैसे उठाते हैं, वह कहा जाता है कि संकट मोल लेने के समान होता है। जैसे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कंपनी का मालिक करप्शन कर रहा है, कंपनी ए है, आप इम्प्लाई हैं, आप बी हैं, तो आप देख रहे हैं कि कंपनी का मालिक करप्शन कर रहा है, फिर भी आप नहीं बोलेंगे, बिकॉज बोलेंगे तो आपको तो पहले निकालेंगे, उल्टे पुल्टे आप पे करप्शन के केसेस लगा देंगे, बहुत से केसेस में फंसा देंगे, फिर नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो कौन बोलेगा इनके खिलाफ? मतलब इनके खिलाफ बोलना क्या है, संकट मोल लेने के समान है, बेलिंग अ कैट है या बेल द कैट है। इसलिए एग्जांपल से समझिए यहाँ से, चाहे सेंटेंस से। नाउ लायन शेयर, आप जानते हैं लायन का मतलब क्या है। लायन का अगर व्यक्तिगत इसको कर दें तो यह क्या होता है, यह बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा, ऐसा कुछ समझ में आएगा इसका मतलब। तो वैसे ही है किसी कंपनी में, आप जानते हैं कोई कंपनी, कंपनी सी है, तो इसमें बहुत सारे लोग इसमें लगाए रहते हैं पैसा, 1, 2, 3, इसका 20%, 2 का 20% और 3 का 60%, इन सब के पैसा से कंपनी बनी है, और प्रॉफिट भी ऐसे ही शेयर करना पड़ता है। तो कंपनी का में जिसका सबसे बड़ा शेयर है, कहेंगे कि 3 का शेयर लायंस शेयर है, ऐसे ही बड़ा हिस्सा है। मीरा हैज अ लायंस शेयर इन राम्स बिजनेस, राम के व्यवसाय में मीरा का बड़ा शेयर है। राम के बिजनेस में मीरा का बड़ा शेयर है। तो इस तरह से लायंस शेयर का यूज हुआ, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है लायंस शेयर। नाउ बिग गन, बिग मतलब बड़ा, ये तो आप जानते हैं। गन का मतलब गन, लेकिन गन को अगर इसको मानवीकृत करेंगे तो गन का मतलब क्या हो जाएगा, जिस तरह गन एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो काम करता है, कभी फेल नहीं होता है, तो ऐसे ही कोई बिग गन है, मतलब महत्वपूर्ण आदमी है, महत्वपूर्ण आदमी कर देंगे बिग गन का मतलब। और महत्वपूर्ण आदमी का यूज तो आप बहुत तरह से कर सकते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा है, और हार्ड वर्क कैन मेक अस अ बिग गन, हमारे कठिन परिश्रम हमें महत्वपूर्ण आदमी बना सकते हैं। तो पहला हो गया बेल द कैट, संकट मोलना। दूसरा लायन शेयर, बड़ा हिस्सा। तीसरा बिग गन, महत्वपूर्ण आदमी। चौथा बोन ऑफ कंटेंशन, बोन मतलब हड्डी और कंटेंशन मतलब झगड़ा।
तो झगड़ा का तो हड्डी समझ में ही नहीं आ रहा है क्या मतलब होता है, लेकिन एक हड्डी आप थ्रो कर दीजिए, बहुत से जानवर हैं, बहुत से डॉग्स हैं, थ्रो कर दीजिए एक हड्डी, इनको खाना है। अब ये डॉग्स क्या करेंगे, पहले अपने में लड़ेंगे, सब अपने में लड़ेंगे, और ये हड्डी कोई खाएगा ही नहीं, लड़ेगा पहले सब, कि हम मैं ही केवल खाऊंगा, और उस चक्कर में कितनी हानि करेगा ये सब अपना, ये आप समझ सकते हैं। तो इसी ही ऐसा ही कोई मुद्दा होता है जिस मुद्दे के लिए दो या दो से अधिक लड़ते हैं, तो उस मुद्दा को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, हिंदी झगड़े की वस्तु। जैसे आप जानते हैं पीओके, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, हमारा कश्मीर है आप जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि कैसे अपने पास ले लें, और पाकिस्तान चाहता है कैसे नहीं देना पड़े। तो हम लेना चाहते हैं, आवर नेशन हमारा राष्ट्र उसको लेना चाहता है और पाकिस्तान देना नहीं चाहता है, और यह क्या है फिर हमारे लिए, बोन ऑफ कंटेंशन है। तो पीओके इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आवर नेशन एंड पाकिस्तान, पीओके हमारा राष्ट्र और पाकिस्तान के बीच झगड़े की वस्तु है। नाउ इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में, इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में। देखिए नटशेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है खोल। जैसे आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट का खोल बहुत बड़ा होता है, और उसके नीच अंदर जो होती है गिरी जिसे बोलते हैं नट, ये हो गया नट, और ऊपर का हो गया शेल, SSELL सेल। और फिर इस सेल को जब हटाते हैं तो नट के ऊपर भी एक सेल रहता है, हाँ, तो ये सब सेल ही कहलाएगा, और नट यहाँ अंदर है। तो इन नट सेल मतलब जिस तरह किसी वस्तु का सेल के अंदर से छोटा सा नट होता है, उस जैसा इन नट सेल मतलब जिस तरह से सेल में एक नट होता है छोटा सा होता है, वैसा संक्षेप में क्या होगा इसका मतलब, संक्षेप में थोड़ा तो समझ ही गए होंगे आप। इन नट सेल मतलब सेल के अंदर जितना छोटा नट होता है उसी छोटा, उसी जैसे छोटा बताओ, किस कोई कहा है तरह कोई कहानी को इन नट सेल बताइए, मतलब छोटा बताइए, संक्षेप में बतलाइए। तो प्लीज टेल मी द स्टोरी, कृपया कहानी को मुझे बतलाइए इन नट सेल संक्षेप में। तो इस तरह से आपने देखा 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस, बेल द कैट, संकट मोलना, लायन शेयर, बड़ा हिस्सा, बिग गन, महत्वपूर्ण आदमी, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वस्तु, और इन अ नटशेल संक्षेप में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।